छोटा सा गांव जहाँ पे बच्चियों की स्टडी पे जो है ना वो इतना फोकस नहीं किया जाता था। एक अदारा काम कर रहा है जिसको मामून सपोर्ट कर रहा है और वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो अफोर्ड करते हैं। अगर वो खुद ही कुछ काबिल नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो वो नॉलेज किस तरह से डिलीवर कर सकेगी। बड़ी बहन हूँ और मेरे 5 भाई हैं, हम माशाल्लाह से 2 बहनें हैं और अम्मी अब्बू जो हैं वो जैसे कि उन्होंने मेरे अखराजात को पूरा किया, मेरे पीछे वो मेरी बहन भाइयों के भी अखराजात को पूरे करते आ रहे हैं। अब जो है वो मेरे एक सरकारी मुलाजिम हैं तो 30-40,000 जो है वो उनकी इनकम आ रही थी। एक्सपेंसिस बहुत ज़्यादा थे और हम उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक बेटी के नाते मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूँ, बहन भाइयों के लिए कुछ कर सकूँ। एक छोटा सा विलेज है पंजाब का फिरोजपुर, वहाँ से मैं ताल्लुक रखती हूँ। गाँव के अंदर जितना स्कूल है आप उतना ही पढ़ सकते हो, मैटर कर सकते हो, ठीक है। आपको कॉलेज जाने के लिए जो है ना वो परमिशन नहीं है, ना आपके बड़े आपको परमिशन देते हैं, और अगर आपके माँ बाप एग्री भी होते हैं तो फिर भी वो खानदान के दबाव में आके बच्चियों को पढ़ाना जो है ना वो मुनासिब नहीं समझते। तब जो है ना वो मुझे ये फील हुआ कि इंसान के हाथ में अगर कोई स्किल्स होती है ना तो वो स्किल्स की बेस पे अर्निंग कर सकता है, और अगर मेरे पास जो अर्निंग है तो मैं शायद अपनी स्टडी को आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकूंगी। हमारे फैक्ट्री एरिया में एक लड़की थी, वो यहाँ पे स्लाइस मशीन का सीखने आती थी, तो उन्होंने मुझे जो है वो बताया कि यहाँ पे महमूवाली में एक अदारा काम कर रहा है जिसको मामून सपोर्ट कर रहा है और वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो अफोर्ड करते हैं। तो मैंने जो है वो यहाँ से ब्यूटिशन का कोर्स किया था, काम वगैरह सीखा। आफ्टर 6 महीने मुझे इतना आइडिया हो चुका था कि मैंने काम को किस तरह से आगे लेके चलना है। मैं जो है वो ODT के लिए भी भेजा गया, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था जो कि हमने कंप्लीट करना था, और उसमें भी हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया गया। हमारे आने जाने के जो एक्सपेंसिस थे वो काफ़ी हद तक मतलब के मामों ने उठाए थे। सो ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक गाँव से उठ के आई थी, मतलब फील हुआ कि अगर हमारे सामने डिफरेंट लोग आते हैं ना, लाइक सिटीजन आते हैं, तो उनके साथ कैसे बात करनी है, क्लाइंट से बात किस तरह से करनी है। इवन जो मेरा दूसरा प्लेटफॉर्म है उसमें भी मुझे काफी ज्यादा हेल्प आउट किया। जो मेरी सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे समझाया था, सिखाया था, उनसे मैंने पूछा था, सो उन्होंने जो है वो मुझे लोन लेके दिया था, तो जिसकी वजह से मैं जो है वो अपना सैलून रन कर पाई हूँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं घर बैठे डेली की माशाल्लाह से काफ़ी अर्निंग वहाँ से कर रही हूँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं अपने एक्सपेंसिस के साथ साथ अपने बहन भाइयों के अखराजात को भी काफ़ी हद तक अबू के साथ संभाल लेती हूँ। अब माशाल्लाह से मेरे सारे बहन भाई भी पढ़ रहे हैं। मेल्स को जितना ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, फीमेल्स को भी अगर उतना सपोर्ट किया जाए तो वो शायद हमारे माशरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि एक फीमेल के लिए स्किल्स को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने आगे जनरेशन को संभालना होता है। अगर हम एक फीमेल को ये राइट्स देते हैं ना, तो वो शायद एक मेल से बढ़ के जो है वो अपने लिए कुछ कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू सी मोर ऑफ सच मीनिंगफुल कॉन्टेंट, show your support by hitting the subscribe button.